कई चीजें ये भी पता चल रही है, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है 20 साल पहले उनके लिस्ट में नाम है, लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले उनके नाम की डेथ हो चुकी है उनके 80% नाम आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नाम है जो लोग हमारे वर्तमान टाइम में। अंकल क्या बोल रहे हैं, 20 साल पहले जो लोग मर चुके हैं उनके नाम है, और जो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं उनके नाम नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, आज के दिन पहले चरण का चुनाव हो चल रहा है, वोटिंग चल रही, लोग जा करके हर बूथ पे वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात निकल करके इस बीच में सामने आ रही है, जिसमें पहले पिछली खबर पे भी दिखाया, कई लोग वोट डालने से वांछित रह गए। और यहाँ पर इस समय मेरी मौजूदगी आप पीछे देख रहे हैं, बटलर पैलेस कॉलोनी के जस्ट सामने है, और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे हैं कि कई लोग की पर्ची काट के दिया जा रहा है लोगों को वोट डालने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो वोट डालने पर यहाँ पर भी वोट डालने नहीं जा पाए, काफ़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर एक खास बात ये पता चली कि जिन लोग की मृत्यु हो चुकी उनके तो लिस्ट में नाम है, लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोगों के नाम ही नहीं है। यहाँ पे लोगों से एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं। दादी पहले आपसे ही से बात करें, नाम क्या है आपका? हमारा फूलमती नाम है। क्या दिक्कत हो रही है? हम पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोट काहे की का दे दी हम, वोट कहाँ नहीं। ये देखिए अपना पहचान पत्र भी लिए हुए, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, ये देखिए अपना पहचान पत्र भी लिए हुए हैं हाथ में। अच्छा अच्छा दादी ये बताइए, गई जब तो क्या बोला वहाँ पे? कहन के यहाँ नाम नहीं है। नाम नहीं है? हाँ नाम नहीं है, तो वो जाओ लौट जाओ। कितने बजे आ गई थी? हम 9 बजे से आए हैं। 9 बजे से हम यहाँ हेरा गन्ना स्थान हेरा है, तब यहाँ का आयन है, सब पहुँच हेर हेर रहे थे, लेकिन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, नाम नहीं है। अच्छा चाची आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। आप कहाँ पे रहती हो? हम यहीं रहते हैं नीबारी रोड पे। अच्छा क्या आपने वोट डाला? नहीं, हमको सुबह से परेशान है, मिले ही नहीं। नहीं वोट पड़ा? नहीं जी। अच्छा जब वो गई यहाँ पे तो क्या बताया आपको? उन्हें कहा पर्ची नहीं है तुम्हारी, लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं लिस्ट में नाम नहीं है। आप लोग का नाम है लिस्ट में? नहीं लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। क्या नहीं, नीरज कुमार वोटर आईडी भी है, पिछले साल हमने वोट भी डाला है, और इस साल हमें कहीं नहीं मिला। हम 10 बजे से फिर ढूंढ रहे हैं कि हमारा नाम होगा, कहीं नाम नहीं है। अच्छा एक बात कर ले, क्या BLO एको बार आए आपके यहाँ पे? हमरे हाँ। नहीं आवत हैं। नहीं आए? हाँ नहीं आगे आए। नहीं नहीं कोई नहीं, पहले आती थी। अच्छा BLO आएगा भी? नहीं मेरे नहीं आए। आप वोट डालनी है? हाँ वोट पड़ गया आपका। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान है। अच्छा आप तो लिस्ट लेके खड़े हुए, क्या नाम मिला अभी? जी मैं नाम खोज रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो देखेंगे, नहीं मिलेगा तो। कितने घंटों से खोज रहा है? तकरीबन हो गया। नाम अभी तक नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। अच्छा अच्छा ये बताइए, कई चीजें ये भी पता चल रही है, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है 20 साल पहले उनके लिस्ट में नाम है, लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले उनका नाम ही नहीं है। जी वो गलतियाँ हैं, जो BLO हैं हमारे इलाके के, उनकी गलती है। गलती यह है कि उनको घर घर जाकर पता करना चाहिए कि इस घर में कौन मृत्यु हुई, किन किन कौन है, उनको आकर सामने ये बात रखनी चाहिए कि जो हमारे जो इलाके में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदे हैं, उनका जो है सर्वे होना चाहिए। सर्वे नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ। आप लोग वोट डाल आए हो? अभी नहीं डाल पाए, सुबह से नाम ढूंढ रहे हैं, नाम ही नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में हमारा, करीब 8-9 बजे से लगे हुए हैं। नाम क्या आपका? नाम हमारा इमरान है। कहाँ पर रहते हो? हम इसी वार्ड के रहने वाले हैं, पराग डेरी वाली गली में रहते। वोट नहीं डाल पाए? नहीं डाल पाए। सुबह जिन लोग की डेथ हो चुकी है उनके नाम है, और जो लोग अभी जिंदा उनके नाम नहीं है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके 80% नाम आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नाम है जो लोग हमारे वर्तमान टाइम में। अंकल क्या बोल रहे हैं, 20 साल पहले जो लोग मर चुके हैं उनके नाम हैं, और जो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं उनके नाम नहीं है, जो जिंदा हैं उनके नाम नहीं है। आप अंकल वोट डाला है क्या? मैं परेशान हो गया हूँ, 3 सेंटर से होके आ रहा हूँ, अब यहाँ आया हूँ, उसके बाद कल्याण भवन जाऊँगा। अच्छा आपने कभी वोट डाला है? जी मैं हमेशा से डालता रहा हूँ, जब से मेरी एज वोटर। पहली बार ऐसा है कि वोट नहीं डाल पा? जी पहली बार ऐसा। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद गफुरान है। कहाँ पर रहते हैं? मैं यही डालीबाग में रहता हूँ। देखिए काफी लोग हैं जो साफ बोल रहे हैं कि जिन लोग की डेथ हो चुकी है वो लोग वोट, जिन लोग की डेथ हो चुकी है उनका तो वोटर लिस्ट में नाम है, और जो लोग अभी मौजूद हैं उनका नाम नहीं। पीछे देखिए आप बूथ एजेंट है क्या? आगे आ जाइए। एजेंट है। नाम क्या आपका? रोहित कुमार। रोहित जी ये बताइए कि क्या ऐसा है कि जिन लोग की डेथ हो चुकी है उन लोग का लिस्ट नाम है, और जो अभी जिंदा है उनके नाम ही नहीं, जो लोग अभी हैं? जी बिल्कुल, 20 साल पुरानी लिस्ट है, 12-15 जो नाम है उन्होंने अपडेट कर दिया है, बाकी पूरी लिस्ट बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी लिस्ट है। अभी तक पिछली बार नहीं आए थे नाम, इस बार वो नाम भी नहीं आए हैं नगर निगम के। अच्छा कई लोग आपके देखिए इधर उधर हर तरफ जहाँ भी आप देख पाएंगे वहाँ पे देखिए लोग खड़े हुए, किस
तरीके की परेशानी है यहाँ पे हो रही है, इनका नाम नहीं मिल रहा है, इनका यहाँ पे है तो वही नहीं मिल जा रहा है, बहुत मतलब बहुत धांधली हो रही है, बहुत धांधली है। धांधली किस तरीके की? कहीं नाम काट दिए गए हैं, कहीं नाम पेरेंट्स में चेक कर दीजिए ताकि ना डाली जाए ना डाला जाए, कहीं जगह कहीं यहाँ पे कि मालती है तो मौजूदा कर दिए तरह से, कहीं बहुत ही काफ़ी सारी फॉल्ट, बहुत फॉल्ट फॉल्ट देखिए काफ़ी सारी फॉल्ट बता रहे। अंकल आपका नाम क्या है? सुबह से दौड़ रहा हूँ जी। नाम क्या आपका? नाम आरेंद्र गुप्ता है, हमेशा इसी बटला पैलेस कॉलोनी में विधानसभा का हो या ये निकाय चुनाव हो यहीं डालने आता हूँ, और मैं रिटायर्ड हूँ, चार चक्कर लगा चुका हूँ वोटर आईडी और अपना आधार कार्ड लेके, लेकिन कोई भी अभी तक नाम नहीं मिला, और मैं वो अगल बगल वाले जो रहते हैं उनकी भी दिखा दिया कि बगल का नाम है, मेरा नाम नहीं है। वोटर आईडी है अभी आपके पास? मेरे पास वोटर आई डी सकते हैं बिल्कुल, ये लीजिए देखिए वोटर आई डी और आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, और नाम भी जो है गलत लिखे हुए हैं और हमेशा से डाल रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं वोट डालने में असमर्थ हूँ क्योंकि वोटर लिस्ट बिल्कुल सही तरीके से बनी नहीं है और इस पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, केवल जो लोग जा पा रहे हैं जिनके लिस्ट है इसलिए मतदान भी बहुत कम होगा। अच्छा एक बात कर ले, गंगवार साहब डीएम लखनऊ के, वो तो कहते जाके वोट, वो ये कह रहे हैं कि वोट डालिए, हम लोग वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं भाई, हमारा ये अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम यहाँ वोट डालने आए, लेकिन अगर वोट में हमारा लिस्ट में नाम नहीं होगा, हमें पर्ची नहीं मिलेगी, हम कैसे वोट डालेंगे, मजबूर है हम वोट डालने। ये जो गलतियाँ हुई है इस पे जिम्मेदार किसको? इसके जिम्मेदारी देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग जो ये वेरिफिकेशन कराता है रेजिडेंस टू रेजिडेंस जाके, तो ये अब की सही तरीके से हुआ नहीं है, केवल अभी जब इलेक्शन हो रहा है तभी ये जाके पर्ची, इसकी पर्ची उसको, इसकी पर्ची उसके, कोई सही तरीके से कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही, तो इससे तो गवर्नमेंट का क्या, ये जो निर्वाचन आयोग है इसकी ड्यूटी है कि इसको सही तरीके से फिर से सर्वेक्षण करवा के जो सही तरीके की लिस्ट है और इसको कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जाए कि ये जो एक आम नागरिक हो परेशान ना हो, और इसको जो है जैसे अदर वो किए गए हैं सब मोबाइल पे सॉफ्टवेयर पे ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी जो अपना चाहे अपने जो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं वो दिखाते हो कि आप अपने आप देख लीजिए, तो हम अपने आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बीएलओ के पास भी जा चुका हूँ, बीएलओ ने भी बता दिया नहीं है, यहाँ सारे जितने काउंसिलर हैं अभी मैं फिर अपने व्हाट्सएप पे जो ऐप है उस पर एप्लीकेशन पे भी मैंने देखा, उस पर भी मिला। नाराजगी है इस बात? नाराजगी क्या, मैं एक देश का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं अपना वोट दूँ, लेकिन वोट देने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि ये जो लिस्ट बनी है वो गलत बनी हुई है और सही तरीके से इसमें सुधार किया जाए जिससे जनता परेशान ना हो और अपने वोट का अधिकार जो है उसको सही तरीके से उसका सदुपयोग। अधिकार देखिए एक तरीके से छीना जा रहा है, पीछे देखिए और लोग भी हैं उनके। जी आपका नाम क्या है? राव अवतार वर्मा। डाला है अभी वोट सुबह हम बिना केवल कुंडा करके बिना चाय के निकले, तो पहले हम गए फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट बाद आए गन्ना सरकार, फिर हम निकले तो उन्होंने यहाँ भेजा, यहाँ नहीं गए फिर हम गए घर नहा खा के आए, अब कल्याण भवन भी हुआ सबसे बेरोज मिले, मेरे वोट कोई फल नहीं हुआ है, अब वोट पड़े पड़े कैसे, प्रतिनिधि का है मेरे बच्चों का है किसी का, किसी का वोट नहीं है, नहीं पर नहीं रहा, आधार कार्ड मैं लिए घूम रहा हूँ, समय बराबर चेक करवा रहा हूँ कहीं मिल जाए। अच्छा यहाँ भी ये तक पता चल रहा है जिन लोगों की डेथ हो चुकी उनके तो लिस्ट में नाम है, लेकिन आपको बहरहाल हमारे वोट नाम है और हमारे साथ ही भाई साहब मिल गया कल्याण भवन, अन्य वोट हमारे कल्याण भवन कोई नहीं, जबकि फॉरेस्ट में हमेशा फंसते ये जो वोट का अधिकार जो छिन रहा है नाराज है, वोट हमारा डलवाओ किसी तरीके से, मैं तो बीएलओ से भी कह रहा हूँ, हम मैं बीएलओ से कि मेरे वोट डलवा अधिकार के अंतर्गत हम भी करते रहे। जी 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 नाम क्या? बहुत फरीद रिजवान खान मेरा। जी क्या कह रहा है? छह बूथों के बूथ पे आगे मेरा नंबर, ये जो पूरा जो मैनेजमेंट है इसको लेके क्या कुछ पूरा एकदम वर्स्ट क्लास। ये तक पता चला है देखिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको उनकी नाराजगी है कि वोट नहीं डाल पा रहे, पीछे चलते हैं यहाँ पे और प्रत्याशी है। अच्छा यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी हो रही, कुछ पता चल रहा है? दिक्कतें बहुत सारी, मैं पूरे वार्ड में देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे जो वोटर्स हैं
तो बहुत दिक्कत हो रही है। बेचारे सुबह 9 बजे से सारे मतलब सारे जा रहे हैं, हम लोग भैया पीछे भी बने वहाँ भी तैयारी मोहल्ले वालों का पूरा मोहल्ला गायब हो गया है। ये निर्वाचन अधिकारियों की बहुत गलती है, लगाया जी ड्यूटी वो ड्यूटी नहीं करते हैं, वो सिर्फ घर में आराम करते हैं। 5-10 मिनट के लिए अगर निकलेंगे भी तो एक लोग आराम पूछ के बैठ जाते हैं, उसके बाद हम लिस्ट नहीं जारी करते। लिस्ट होती है 20,464 वोटर हैं यहाँ पर, हम लोग कितना दूर सर्च नहीं कर पाएंगे भाई। अच्छा ऐसी बात भी पता चली है, कुछ लोग की डेथ हो चुकी है उनके तो लिस्ट में नाम है, लेकिन जो लोग अभी हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उनके लिस्ट में नाम है। हमारे संज्ञान में मैंने कितने ऐसे लोगों को जो मुस्लिम लोग थे उनको मैंने अपने कंधों पे कंधा दिया, उनको मैंने कब्रिस्तान छोड़ के आया हूँ। ऐसे कितने हमारे हिंदू भाई थे जिनको मैंने अपने कंधों से कंधा दे के मैं बैकुंठधाम छोड़ के आया हूँ, उनके नाम है। और जो लोग जीवित हैं उनके नाम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग इन लोग की डेथ हो चुकी है उनके नाम है? आप ये मान के चलिए कि 20,464 जो वोटर्स हैं तो आप ये आंकड़ा मान लीजिए कि 10% मतलब मान लीजिए 2-3 हज़ार। अच्छा और कितने परसेंटेज ऑफ लोग आज वोट नहीं डाल पा रहे हैं अभी तक? जो वोटर थे यहाँ के उनका तो बहुत मतलब बहुत उत्साह था कि मैं वोट डालूंगा, अपने प्रयोग करूंगा और बताशी को जिताएंगे, सब सारी चीज़ें थी। लेकिन हम लोग नहीं लगता कि इतना वोटर मतलब सारा निराश हो गया है, हमें नहीं लगता कि 30-40% हो जाएगा। 30-40% आप वोट डाला है? दो तीन लोग का वोट गया, ऐसा हो रहा है कि जैसे किसी घर में 10 वोट हैं या 6 वोट हैं तो 2 लोग का नाम आ रहा है, 2 लोग का नाम नहीं आ रहा है। और किसी किसी में ऐसा कर दिया गया कि जाने वर्ष का नाम गलत टाइप किया गया, ऐसे कम से कम सुबह सुबह कम से कम देख चुका हूँ जब से गलत टाइप था उनको वोट डाले दिया गया। अच्छा ये जो गलती जो हुई है इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारी है और प्लस मौके पर जो यहाँ पे बेलो हैं वो जिम्मेदार हैं इसके। और यह हो सकता है कि सरकार की भी साजिश हो सकती है कि जानबूझ कैसे किया गया कि समाजवादी पार्टी वोट लगा हुआ है। साजिश किस तरीके से? साजिश हो सकता है कि भाई चुनाव जीतने के लिए हर चीज़ किया जाता है, ये भी एक ग्रुप हो सकता है डिपेंडा हो कि जो उनको लग रहा हो कि ये वोट हमको नहीं पड़ सकते, उनका नाम थोड़ा खराब कर दिया गया पॉलिटिकल स्टैंड मान पॉलिटिकल कम से कम उस पर रिसर्च करना चाहिए था। एक साल पहले जब आप लोग हमारे मंत्री वाला चुनाव हुआ था उसमें और लोग हमारे युवा थे जितने नई पीढ़ी सभी के नाम आए थे। सिर्फ नगर निगम चुनाव में ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? पिछले बार भी जैसा कि हमने देखा था कि 27% ऑलमोस्ट वोट पड़ पाए थे, युवाओं के बिल्कुल वोट नहीं आए, तो ये लोग घोषित हो चुके हैं जो घोषित कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, इनका बिल्कुल नाम नहीं, ऑलमोस्ट पूरे नाम आ रहे हैं। जो लोग जीवित हैं उनके समझ लीजिए जैसे घर में आपके परसेंट में 5 लोग हैं, 5 में 3 लोग के नाम नहीं है, 2 लोग के हैं। किसी के यहाँ पे जो जैसे आप जाते हैं मतलब ऑलमोस्ट किसी का प्रॉपर किसी का नाम ही नहीं है। अगर आपके घर में 6 लोग हैं तो 6 लोग के नाम हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों से हमारी बात हो रही थी, सभी बता रहे हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज इस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिस्ट में कई लोग के नाम नहीं, घर में जैसे 5 लोग रह रहे हैं तो 5 लोग में से 3 लोग के नाम हैं, 2 लोग के नाम नहीं है, या फिर इस तरीके की भी यहाँ पर चीजें निकल करके आ रही हैं कि जिन लोग की डेथ हो चुकी है उनके तो लिस्ट में नाम है लेकिन जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उनके नाम लिस्ट में नहीं है। दूसरी बातें ये तक निकल करके आई जो लोग कई बार लगातार वोट डाल के आ चुके हैं उनका इस बार लिस्ट में नाम नहीं है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, ये तो 13 तारीख डिसाइड करेगी, लेकिन इस तरीके की गतिविधियां ग्राउंड स्तर पर हो रही है उसको जिम्मेदार लोग बीएलओ को ठहरा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं उषित कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।